हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल गुरु साइंस गुरु, और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सोचो, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि प्लांट्स में हार्मोन्स कैसे यूज होते हैं, ठीक है, वो कैसे स्टिमुलेट होते हैं और कैसे सीक्रेट होते हैं और कहां कहां कैसे कैसे वर्क करते हैं और उनका ग्रोथ में क्या रिलेशन है और नॉन ग्रोथ में कौन से हार्मोन्स होते हैं या क्या काम करते हैं, सारा मैं बता चुका हूँ। सो आज मैं लेके आया हूँ लास्ट पार्ट, फाइनल सेवन्थ पार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें हम करेंगे आज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात और हार्मोन्स देखेंगे ह्यूमंस की बॉडी से रिलेटेड, जो हार्मोन्स हैं वो कैसे बैलेंस होते हैं या उनकी कमी डेफिशिएंसी से क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या डिजीज हो सकती है और वो कैसे बॉडी के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। हार्मोन्स इन एनिमल्स सीक्रेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट मींस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है, एक होती है ब्रेन के थ्रू जो, या फिर नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से बना होता है, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे नंबर वन। नंबर टू होता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ग्लैंड्स। सो बच्चों, ये सारे के सारे जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे ग्लैंड्स थे बॉडी में लोकेट होते हैं, अलग अलग जगह लोकेट होते हैं। सो डिपेंड करता है इनका फंक्शन क्या है, वैसे ये लोकेट होते हैं। सो हार्मोन्स होते क्या? दीज आर द केमिकल सब्सटांस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि अंदर होते हैं बॉडी के, एंड ट्रांसमिट बाय द ब्लड। अब करते क्या है, ब्लड के अंदर, जैसे ये क्या होता है, ग्लैंड एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो ब्लड के अंदर जाके मिल जाता है, और ये ब्लड लेके जाता है उसे टारगेट साइट के ऊपर, ठीक है। कैसे, वो हम इसमें बात करेंगे। टू द टिश्यू विच हैज अ स्पेसिफिक इफेक्ट, तो जो हार्मोन होगा हमारा, जो उसने काम करना है, वो जाके एक स्पेसिफिक टारगेट साइट पे जाके इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। नंबर वन है हमारे पास थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन क्या, एक हार्मोन है, ठीक है। थायराइड क्या, ग्लैंड है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। एंडो कैविटी बेसिकली, या एंडोस्केलेटन, ये सारे किस लिए होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर होता है। एक्सो मींस बाहर, एंडो मींस अंदर होते हैं। सो सबसे पहले मैंने बताया थायरोइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन के देखो, थायरोक्सिन करता क्या काम है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये सारा कहां कैसे लगना है, तुमने देखा होगा। बहुत सारे पार्ट्स हमारे बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, और बहुत देखो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। कई बार देखा होगा अपने स्टमक इतना निकला होता है, कई बार देखा होगा ये हैवी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा कौन स्टिमुलेट करता है, ये सारा स्टिमुलेट करता है कौन, बैलेंस करता है, ये करता है हमारा थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन करता है, ठीक है। तो इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, क्लियर है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, मिस थायरोक्सिन की कमी हो जाए बॉडी में, तो एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं गॉइटर। यहां लिख देते हैं इसे, यहां गॉइटर। अब गॉइटर में होता क्या है, देखो गॉइटर में बेसिकली तुमने देखा होगा कि बहुत सारी नेक स्वेल हो जाती है। सो नेक स्वेलिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है बॉडी में, ठीक है। सो इस वजह से इसको बोलते हैं गॉइटर, और इस वजह से थायरोक्सिन की जरूरत होती है हमारी बॉडी में, क्लियर है यहां तक। नाउ अब एक और चीज आती है, भाई हमें पता कैसे लगा थायरोक्सिन कैसे मिलती है, ठीक है। सो तुमने देखा होगा एक सॉल्ट के पैकेट होते हैं जिसमें लिखा होता है आयनाइज्ड नमक, मतलब उसके अंदर आयोडीन होता है। सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को या थायरोक्सिन को सिक्रेट करने के लिए आयोडीन बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। सो सेकंड आता है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। देखो ग्रोथ हार्मोन का बहुत अच्छा रोल है हमारी बॉडी में, क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ करता है, ठीक है। ग्रोथ करता है, ये होता क्या है, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब क्यों इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये और भी जितने हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनको भी मतलब उनको भी बताता है कि कैसे वर्क करना है, ठीक है। उनको भी एक्टिवेट करता है बेसिकली। इसका काम क्या होता है, काम होता है इसका रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ देखता है या फिर डेवलपमेंट देखता है। तुमने देखा होगा कि हाँ एडोलेसेंस एज में, प्यूबर्टी एज में हमारे में कुछ चेंजेस होते हैं, ये सारे चेंजेस होते हैं तो अलग ग्लैंड्स की वजह से, बट एक्टिवेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर है यहां तक। और होता कहां पे, मिड ब्रेन में होता है आपके, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है हमारा, एड्रेनल ग्लैंड होता है हमारा अबव द किडनीज, दो एड्रेनल ग्लैंड होते हैं हमारे दोनों किडनीज के ऊपर, ठीक है। सो और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये करता है एड्रेनलाइन। एड्रेनलाइन का काम क्या होता है, एड्रेनलाइन का काम होता है इमरजेंसी केसेस में। तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं स्पेशल
इमरजेंसी में, ठीक है। अब सपोज कर लो सामने से कुत्ता भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, बहुत घूर के देख रहा है तुम्हें, ठीक है, तुम भी उसे देख रहे हो। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसको साथ क्या किया जाए, फाइट की जाए, इसको भगाया जाए या फिर बच के भागा जाए। तो दोनों केसेस तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम, या तो भाग सकते हैं या फिर उसका उससे फाइट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में क्या चाहिए हमें, एनर्जी। सो ये एनर्जी कहां से आएगी, भागने के लिए पैरों में एनर्जी कहां से आएगी या फाइट करने के लिए हाथों में एनर्जी कहां से आएगी, ये सारी एनर्जी देता है हमें एड्रेनालिन, ठीक है। सो ये क्या करता है, बेसिकली एक्टिवेट करता है हार्मोन को, हार्मोन सिक्रीट करता है, सिक्रीट होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में मिलता है और जिस मैकेनिकल पार्ट, जिस पार्ट से बॉडी के आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है वो ये काम करता है, ठीक है। सो इसके कुछ कॉजेज भी होते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में एड्रेनालिन ज्यादा हो रहा है। वो क्या कॉजेज होते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, बीपी हाई हो जाता है, देखा होगा तुमने। दूसरा, हार्ट बीट तेज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, देखा होगा जब किसी से डर लगता है या फिर किसी से फाइट करते हो, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। क्यों तेज होती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी तो एनर्जी ज्यादा बनेगी हमारी बॉडी में, एनर्जी ज्यादा बनेगी तो हम फाइट भी कर सकेंगे और डर के भाग भी सकेंगे, ठीक है। दोनों काम के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब क्या करता क्या है बेसिकली, मैं बता देता हूँ ये, ठीक है, रेगुलेट करता है एनर्जी को, ठीक है। एनर्जी बॉडी पार्ट्स में कहां से आती है, इमरजेंसी में वो आती है एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है, इतना सा याद रहेगा। अब अगर एनर्जी ये ज्यादा दे रहा है तो हमारी बॉडी में बाकी जगह एनर्जी क्यों जा रही है, तो ये क्या करता है, स्किन में और स्टमक में हमारे ब्लड की सप्लाई कम कर देता है और जो हमारे टारगेट साइट स्पेसिफिक पार्ट्स हैं उनमें ज्यादा कर देता है, ठीक है, सप्लाई तेज कर देता है। सो कॉजेज मैंने बता दिया कि क्या क्या हो सकता है, हार्ट बीट तेज हो सकती है या ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है, कई बार शिवरिंग भी होती है तो आप कांपने भी लग जाते हैं। फोर्थ आता है हमारे पास पैनक्रियाज ग्लैंड। अब पैनक्रियाज ग्लैंड कहां पे होता है, ये बिलो स्टमक, ये भी कह सकते हो बिलो स्टमक या फिर लीवर में होता है, ठीक है। क्या काम होता है इसका, पैनक्रियाज का काम होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। इंसुलिन भी एक हार्मोन होता है, तुमने देखा होगा कईयों को कि डायबिटीज हो जाती है, देखा सुना होगा कि इसको डायबिटीज है भाई, इसको शुगर है, इसको शुगर है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता। ठीक से काम करने का क्या मतलब है, या तो ज्यादा इंसुलिन हो रही है या तो कम इंसुलिन हो रही है। कम इंसुलिन हो रही है दैट मीन्स ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, तो उसको कुछ मीठा दिया जाता है, और अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो उस केस में या तो उसको मेडिसिन की हेल्प से हम कम कर देते हैं या फिर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं और उसे कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। सो यहां पर जो यूज होती है वो होती है डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज यूज होती है। सो ठीक है, अब मैं यहां पे तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, ग्रोथ हार्मोन में। ग्रोथ हार्मोन में जो डिजीज होती है, देखो ग्रोथ हार्मोन क्या है, बेसिकली क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इंसान बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो ये बोना रह जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें होती है यहां पर, या तो वो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा या कम हो जाएगा। जम्बा अगर वो लंबा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, गिगाटिज्म, ठीक है। एक्सेस हो जाए तो, अगर वो हो जाए डेफिशिएंट तो उसे कहते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है, क्लियर है। नाउ सो मैंने बता दिया इसके बारे में, पैनक्रियास के बारे में कि क्या करता है, रिड्यूस एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, वो हेल्प करता है उसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन का इसका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। देखो कुछ एज के बाद, जैसे 10-12 के बाद एडोलेसेंस में हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी एज पे कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, दाढ़ी उगनी, मूंछें उगनी, या फिर देखा होगा तुमने कि हेयर उधर चेस्ट में हमारे ग्रो करते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें कहां से आती हैं, ये सारा का सारा सेक्स हार्मोन करता है स्टिमुलेट। इसे एक्टिवेट कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन, इसे इसलिए कहते हैं मास्टर ग्लैंड, तो यही इन्हें एक्टिवेट करता है। अब सेक्स हार्मोन भी दो तरह के होते हैं, क्योंकि दोनों सेक्स अलग होते हैं, मेल्स और फीमेल्स में। सो मेल्स में जो होता है वो होता है हमारे पास टेस्टिस, ये होता है हमारा ग्लैंड, ये क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अगर वो ज्यादा हो जाए, अगर ज्यादा कुछ बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे, क्या होगी, बियर्ड की ग्रोथ बहुत ज्यादा बन जाएगी या फिर गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको बढ़ा देता है, एक्सेस कर देता है। चलो तो प्रेजेंट कहाँ होता है, जेंटल लोअर एब्डोमेन एरिया, ठीक है, या फिर जेंटल एरिया या फिर एब्डोमेन एरिया, दोनों में से जो भी कह सकते हो, ठीक है, जो कि हमारी प्राइवेट लोकेशन पे होता है। चलो प्राइवेट लोकेशन वैसे समझ गए हो सारे। इसके बाद जो काम क्या करते हैं, ठीक है, इनका फंक्शन बाद में बताता हूँ, पहले मैं दूसरे का ही बता देता हूँ कि फीमेल्स में होते हैं ओवरीज, ठीक है, ओवरीज, ठीक है। अगर तुमने देखा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो ओवरीज होती है, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ओवरीज क्या करती है, हमारी इस्ट्रोजन फीमेल्स में हार्मोन रिलीज करती है, और उसका काम क्या होता है,
दोनों काम होता है चेंजेस एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे सारे यही एसोसिएट करते हैं चेंजेस, मैं बता चुका हूँ ठीक है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट या फिर एरिया मतलब कुछ भी कह सकते हो, जैसे गर्ल्स में होता है ठीक है, गर्ल्स में वेस्ट का साइज देखा होगा तुमने बढ़ जाता है, सो इनक्रीज द साइज ऑफ द वेस्ट एंड सम चेंजेस ठीक है, कुछ बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं होते हैं। सो ये सारे जितने भी चेंजेस हैं ठीक है जो एक प्यूबर्टी एज पे आने स्टार्ट होते हैं वो सारे सारे उसे कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो मतलब हमारी बॉडी क्या हो रही है, सेक्स के लिए मैच्योर हो रही है ठीक है, मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो रही है बेसिकली, अब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो रही है ठीक है, क्लियर है यहां तक? नो, सो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं कुछ फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बुक्स में दे रखा है, और फीडबैक मैकेनिज्म काम कैसे करता है, मतलब ये सारे हॉर्मोन्स काम कैसे करते हैं। सपोज करो कि अब तुम वही सेम ठीक है, आगे डॉगी है, डॉगी के सामने तुम खड़े हो, डॉगी के सामने खड़े हो इसका मतलब क्या है, तुम्हें भागना है या तो लड़ना है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी बॉडी में एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। ये चीज किसको डिटेक्ट, कौन डिटेक्ट करेगा, ये एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड इसको डिटेक्ट करने के बाद एड्रेनलिन प्रोड्यूस करेगा और उसको स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके हिट करवाएगा और उससे क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है। सो ये सारा का सारा इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ओवर। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोबारा से कोई नई फ्रेश चैप्टर से, कमेंट कीजिए मैं नेक्स्ट चैप्टर किसे बनाऊं। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे से, नहीं किया अभी तक सब सब्सक्राइब कीजिए ठीक है, थैंक यू सो मच।